नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पल दो पल विद कोमल। आज की वीडियो थोड़ी सी हटके होने वाली है। आज मैं आपके साथ मेरी डेली रूटीन या डेली व्लॉग्स नहीं शेयर करूंगी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हेयर और स्किन लोशन। इसे आप क्रीम भी कह सकते हैं, बॉडी लोशन भी कह सकते हैं। तो आज की ये क्रीम कैसे बनेगी, कैसे प्रिपेयर की जाएगी या फिर इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो चलिए देखते हैं और बनाते हैं मिलकर आप और मैं। तो चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की बनने वाली क्रीम में आपको ज़रूरत पड़ेगी इन सभी इंग्रेडिएंट्स की। जैसे कि आपको जिस बाउल में बनाना है वो बाउल लगेगा, उसके लिए एक क्लीन बाउल होगा, उसके साथ एक स्पून जिससे आप मेज़र करके अपना सामान लोगे। उसके बाद आपको आपकी क्रीम भर के रखने के लिए एक क्लीन बॉटल की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर सबसे पहले तो ज़रूरत पड़ेगी एलोवेरा जेल की। आप किसी भी ब्रांड का एलोवेरा जेल दे सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर दो तरह के एलोवेरा जेल रखे हैं, एक पतंजलि और एक वाव ब्रांड का एलोवेरा जेल। मैं इनमें से कोई एक ही यूज़ करूँगी। आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर दो तरह के रखे हैं। उसके बाद मैंने लिया है गुलाब जल। इसके बाद मेरे पास है फिगारो का ऑलिव ऑयल। इसके बाद मुझे ज़रूरत पड़ेगी विटामिन ई इवियन कैप्सूल की। इसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ेगी ग्लिसरीन इसकी, और उसके बाद आपको बादाम ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे पास बादाम रोगन शिरीन का बादाम ऑयल है। और एक लास्ट इंग्रेडिएंट आपको इसकी टी ट्री ऑयल, इसेंशियल ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालिए, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इन सभी इंग्रेडिएंट्स की गुणवत्ता मैं वन बाय वन बताते हुए चलूँगी। आप बिल्कुल घबराइए मत कि मैंने इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं और इससे आपको कोई भी तरह की किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। आप इसे आराम से अपनी स्किन, अपनी बॉडी, अपने हेयर पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एलोवेरा जेल की 4 टेबलस्पून। यदि आपकी त्वचा ड्राई और डैमेज है तो इसका रोज़ाना यूज़ आपकी त्वचा को सॉफ्ट और मुलायम कर देगा। एलोवेरा में एमिनो एसिड, प्रोटीन, कई तरह के विटामिन पाए जाते हैं जो आपके बालों और त्वचा के लिए बहुत लाभकारी है। एलोवेरा का रोज़ाना यूज़ आपके चेहरे के दाग धब्बे, मुहासे और झुर्रियों को जड़ से ख़त्म करने की ताकत रखता है। नेक्स्ट हम लेंगे ग्लिसरीन। इसकी हम लेंगे 2 टेबलस्पून। यदि आपकी त्वचा ड्राई रहती है तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसके यूज़ से आपकी स्किन हाइड्रेटेड, सॉफ्ट और फ्रेश रहती है। ये आपकी स्किन के पीएच को मेंटेन करने का भी काम करती है। नेक्स्ट हम लेंगे बादाम तेल। ये लेंगे हम 1 टेबलस्पून के करीब। आपको तो पता ही है ये गुणों का खजाना है, आप इसे अपने डाइट में रेगुलर शामिल जरूर करें। बादाम ऑयल में विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इसके यूज़ से आपकी त्वचा जवां, कोमल और मुलायम बनी रहती है। नेक्स्ट हम लेंगे गुलाब जल की 4 टेबलस्पून। गुलाब जल एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है जिसे आप टोनर की तरह फेस पर यूज़ कर सकते हैं। इसके यूज़ करने से आपके ओपन पोर्स की दिक्कत भी दूर होने लगती है। गुलाब जल बालों के लिए भी उतना ही गुणकारी है। यह आपके बालों को मुलायम और जड़ों को मजबूत भी करता है। इसके यूज़ से आपके ड्राई डैमेज बाल ठीक होने लगते हैं। इसके बाद हम लेंगे ऑलिव ऑयल की 2 टेबलस्पून। ये आपकी त्वचा के लिए एक अच्छा मॉइस्चराइज़र माना जाता है। इस तेल से बच्चों की भी मालिश की जाती है। इसमें विटामिन ए, ई के साथ साथ अमीनो एसिड भी पाया जाता है जो आपकी स्किन पर पड़ने वाली झुर्रियों को रोकता है। ऑलिव ऑयल आपके बालों के लिए भी वरदान है। यह आपके बालों में होने वाले स्प्लिट एंड्स को होने से रोकता है। ये रुखे बालों के लिए एक औषधि है। अब हम लेंगे विटामिन ई इवियन की 4 कैप्सूल। अब मैं विटामिन ई के बारे में आपको क्या बताऊँ, ये गुणों से भरपूर है। विटामिन ई हमारी त्वचा और बालों के लिए काफ़ी असरदार माना जाता है। विटामिन ई में एंटी एजिंग ऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो स्किन पर बढ़ती उम्र के असर को कम कर सकती है। विटामिन ई का यूज़ कई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में किया जाता है। त्वचा को प्राकृतिक नमी प्रोवाइड करती है विटामिन ई, ये बेहद फ़ायदेमंद होती है। बालों पर इसका यूज़ सबसे बढ़िया ऑप्शन है। यह आपके बालों को हेल्दी और जड़ों को मजबूत करता है। विटामिन ई में इतनी ताकत होती है कि इसके रेगुलर यूज से आपके बालों की ग्रोथ दुगुनी तेज़ी से हो सकती है।
इसके बाद हम लेंगे टी ट्री इसेंशियल ऑयल और इसके हम 5 ड्रॉप्स लेंगे। इसमें एंटी माइक्रोबियल, एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुण है, जिससे कि यह हमारे बॉडी और हेयर्स के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। यह फंगल इन्फेक्शन तथा जुओं पर भी काफ़ी अच्छा काम करता है। ये हमारे अनइवन स्किन को इवन करती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, मैंने इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं। अब हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, जब तक ये एक क्रीम के फॉर्म में ना आ जाए। अगर आपके पास इनमें से कोई एक आइटम ना हो तो घबराए नहीं, आपके पास जो अवेलेबल है आप उससे ही ये क्रीम बनाइए और यूज़ कीजिए, और फिर देखिए आपकी स्किन और हेयर्स कभी भी ड्राई नहीं होंगे। इस विंटर ये होममेड लोशन ज़रूर बनाइए और देखना आपको इस क्रीम से प्यार हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये क्रीम बनके तैयार हो गई है, जो आपके बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है, और ये गुणों से भरपूर है और ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी हुई है, तो इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल ही नहीं है। देखिए, मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाती हूँ। आप इसे नहाने के तुरंत बाद अपनी बॉडी, अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपकी बॉडी बहुत सॉफ्ट, सपल और मुलायम बन जाएगी। और इसी तरह मैं इसका थोड़े से क्वांटिटी लेकर अपने बालों पर भी अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये आप अपने जिस दिन अपने हेयर वॉश करोगे, आप अपने गीले बालों पर ही अप्लाई करें, लाइक अपना लीव ऑन सीरम की तरह। इससे आपके बाल तुरंत ही रिटेंगल हो जाएंगे। ये क्रीम बहुत स्मूथ है और बहुत अच्छी है। फ्रेग्रेंस वाह, क्या बढ़िया है। आप अपनी इस क्रीम को एयरटाइट करके किसी भी एयरटाइट जार में भर के रखिए, और आप इसे 8 से 10 दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहते हैं तो 15 दिन, इससे ज़्यादा आप मत चलाइए, 15 दिन का ही आप स्टॉक बना कर रखिए, और आपको ज़रूरत पड़ती है तो नेक्स्ट आप फिर से प्रिपेयर कीजिए इस क्रीम को। और आपको मैं कहना चाहूँगी कि आप ग्लास जार में ही इसे भर के रखिएगा। लाइक मैं देखिए इस अब आपको अपने इस जार में भर के दिखाऊँगी। मेरे पास छोटा जार नहीं था तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है मेरी क्रीम के लिए। तो फ्रेंड्स, लीजिए, रेडी है आपकी क्रीम, आपके हेयर्स और आपकी स्किन का 2-in-1 फॉर्मूला। इस क्रीम को इस विंटर जमकर एंजॉय करें। और आपको ये क्रीम कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप देखते रहिए पल दो पल विद कोमल। बाय बाय, टेक केयर।